हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे माँ सती के 52 शक्तिपीठों में से एक माँ पूर्णागिरि मंदिर, जो कि उत्तराखंड के टनकपुर में स्थित है, इसके बारे में। तो बने रहिएगा मेरे साथ, अंत तक आपको सारी जानकारी मिल ही जाएगी। माँ पूर्णागिरि का ये मंदिर उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले में काली नदी के किनारे स्थित है। काली नदी, जिसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, चीन, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं से घिरे चंपावत जिले के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले टनकपुर से लगभग 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह शक्तिपीठ माँ भगवती के 108 सिद्धपीठों और 52 शक्तिपीठों में से एक है। यह शक्तिपीठ टनकपुर के पर्वतीय अंचल में स्थित अन्नपूर्णा चोटी के शिखर में स्थापित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3000 फीट है। माँ पूर्णागिरि के मंदिर का संपूर्ण इतिहास हमें शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में रुद्र संहिता के अनुसार राजा प्रजापति दक्ष की कन्या सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष ने एक बार एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया था, परंतु भगवान शिव को किसी पूर्वाग्रह की वजह से अपमानित करने की दृष्टि से निमंत्रण नहीं दिया। जैसे माँ सती ने भगवान शिव का घोर अपमान समझा और यज्ञ की वेदी में अपनी देह की आहुति दे दी। भगवान शिव यह जानकर बहुत ही क्रोधित हो गए और अपनी पत्नी की जले हुई देह को लेकर आसमान में विचरण करते हुए तांडव नृत्य करने लगे। भगवान शिव का तांडव देखकर सारे देवी देवता परेशान हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि अगर महादेव को अभी नहीं रोका गया तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित है। तब भगवान विष्णु ने चिंतित होकर अपने चक्र से भगवान शिव द्वारा हाथ में लिए गए माता सती की देह के अलग अलग हिस्से कर दिए। अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर जा गिरे और जहाँ जहाँ भी गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इन्हीं हिस्सों में से एक, जो माता सती की नाभि का था, वह अन्नपूर्णा शिखर पर जा गिरा। कालांतर में यह स्थान पूर्णागिरि कहलाया। माता पूर्णागिरि मंदिर में देवी के नाभि की पूजा की जाती है। माँ पूर्णागिरि के मंदिर में लगभग वर्ष के 12 मास भीड़ रहती है, मगर चैत्र की नवरात्रों में यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन होता है, जो जून के आखिरी तक चलता है। मेले की प्रशासनिक जिम्मेदारी चंपावत जिला पंचायत की होती है। प्रशासन श्रद्धालुओं की हर तरह से सुविधा हेतु मौजूद रहते हैं। लगभग 3 माह तक चलने वाले इस मेले में हर साल लगभग 25 से 30 लाख श्रद्धालु देश विदेश से दर्शन करने के लिए माँ पूर्णागिरि के दरबार में पहुँचते हैं। टनकपुर उत्तराखंड के चंपावत जिले का हिस्सा है। बेहद ही खूबसूरत पेड़ पौधों और प्राकृतिक वनस्पतियों से सज्जित पहाड़ियों की गोद में बसा छोटा सा शहर टनकपुर माँ पूर्णागिरि के आशीर्वाद की तरह प्रतीत होता है। टनकपुर पहुंचने के बाद पूर्णागिरि पहुंचने के लिए टनकपुर से आगे लगभग 17 किलोमीटर की दूरी अलग अलग तरह के निजी वाहनों या फिर उत्तराखंड परिवहन की बस से तय की जा सकती है, जबकि अंतिम 3 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी पड़ती है, जिसे खड़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता है। और इस तरह हम पहुँचते हैं माँ पूर्णा के द्वार पूर्णागिरि मंदिर। और जब कोई भक्त माँ पूर्णागिरि के मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे एक अलौकिक शांति की अनुभूति होती है। संपूर्ण मोह माया से दूर एक पारलौकिक शक्तियों के आगमन में जैसे उसने प्रवेश किया हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नए टॉपिक पर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।